आलिया ने आजमा को मारा चाकू। आलिया ने की आजमा की जान लेने की कोशिश, क्या आजमा की होगी मौत? दोस्तों, सीरियल उजारिया में आ रहे हैं ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स, जहां आने वाले एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि आलिया आजमा को मार देती है चाकू। जी दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आलिया हॉस्पिटल में देती है बच्चे को जन्म। यहाँ पर आलिया और राजा की हुई है बच्ची। ऐसे में आलिया ने पहले ही कह दिया था कि वो अडॉप्शन में दे देगी बच्ची को, लेकिन यहाँ पर आजमा आलिया का प्लान कर देती है फ्लॉप। यहाँ पर आजमा घर वालों को बता देती है सच्चाई और आलिया की बच्ची हॉस्पिटल में ही रहती है। ऐसे में आलिया बहुत ज्यादा भड़क जाती है और करती है आजमा का पीछा। ऐसे में आजमा आलिया को मिल जाती है और आलिया कहती है, तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी ना। ऐसे में आलिया धारदार चाकू से करती है आजमा पर वार। यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि आलिया ने आजमा को मारने की है कोशिश। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा, क्या आजमा की जान बच पाएगी। वहीं दूसरी ओर हमें देखने को मिल रहा है कि अरमान बुरी तरह से टूटा हुआ है। उसे लग रहा है कि आजमा ने उसे धोखा दिया है, इसीलिए शराब के नशे में डूबा रहता है अरमान। अरमान को सच नहीं पता। अरमान को लग रहा है कि आजमा के पेट में पल रहा बच्चा किसी और का है। ऐसे में आलिया का ही ये सब किया धरा है। आलिया ने ही शक का बीज सबके मन में बोया, डीएनए रिपोर्ट चेंज कराई, जिसमें रिजल्ट ये आया कि अरमान का बच्चा नहीं बल्कि मुर्तजम का बच्चा आजमा की कोख में पल रहा है। ऐसे में आने वाले टाइम में देखना होगा, क्या अरमान को पता चल पाएगा सच, क्या अरमान बचा पाएगा आजमा की जान। क्या लगता है आपको इस बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और टेलीविजन से जुड़े लेटेस्ट अपडेट चटपटी गॉसिप्स के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को।